हेलो माय स्टूडेंट्स आई एम कमलेश शर्मा आई वेलकम यू फ्रॉम द मॉडर्न ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर थ्री ऑफ द बेहाई बुक लेसन थ्री द लिटिल गर्ल एज रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इस चैप्टर की एक समरी मैं बता देता हूँ एक बच्ची है छोटी सी जो अपने पापा से बहुत डरती है और पापा के बारे में बहुत ही नेगेटिव इमेज अपने दिमाग में रखती है क्योंकि उसके पापा जो हैं वो बहुत ही बिजी हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले पर्सन हैं और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो उसको उनके पापा को देख के वो बच्ची जो है केजिया वो बहुत ही अपने आप को समझ लेती है कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं उसके साथ होता ऐसा है कि एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है तो वो अपने पापा के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट एक पिन क्वेश्चन बनाने वाली होती है तो उसके अंदर वो अपने पापा की पॉट अथॉरिटी की जो स्पीच थी वो स्पीच को फाड़ कर और उसके अंदर स्टफ़ कर देती है जब जैसे उसके पापा वो उस चीज़ के लिए फाइंड आउट करते हैं तो पता चलता है कि केजिया ने ऐसा किया है तो उस दौरान उसके पापा उसकी पिटाई करते हैं और कुछ नेगेटिव इमेज उसके दिमाग में रह जाती है अपने पापा की एट लास्ट वो अपने पापा की जो इमेज नेगेटिव होती है उसके दिमाग में वो इमेज कन्वर्ट होकर और बहुत ही अच्छी इमेज अपने पापा की बन जाती है तो ऐसा क्या होता है कि अपने पापा की इमेज जो नेगेटिव उसके नेगे� दिमाग में होती है केजिया बच्ची के वो चेंज हो जाती है और ऐसा क्या घटित होता है चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और केजिया के की बारे में हम स्टार्ट करते हैं तो द लिटिल गर्ल ही वॉज लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एक लड़की जिसके लिए एक फिगर था जो बहुत ही डरावना था एवरी मॉर्निंग जब उसके पापा जो थे वो जाते थे तो उसके रूम में आते थे और एक कैजुअल केस उसे देते थे यानी अपनी बच्ची को उसके पापा कैजुअल केस देते थे टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर और उसके बारे में वो रिस्पोंड क्या करती थी गुड बाय फादर अपने पापा को रिस्पोंड करती थी गुड बाय फादर और वहाँ पर एक उसके पापा के जाने पर उसे एक बहुत ही रिलीफ वाला सेंस मिलता था कि उसके पापा की जब गाड़ी की जो आवाज़ जाती थी तो बहुत धीमी होती जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती थी कि पापा चले गए इन द इवनिंग वैन ही केम होम जब पापा पापा तो वो हमेशा सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और अपने पापा की तेज़ आवाज़ को सुनती रहती थी ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम ड्राॅइंग रूम के अंदर मेरी चाय लेकर आइए क्या पेपर अभी तक नहीं आया है और मदर गो एंड सेफ माई पेपर इज आउट देयर देखो वहाँ पर कहीं पेपर तो है एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स मेरे स्लीपर्स लेकर आओ तो ये सब जो थे उसके पापा बोलते थे सेकेंड में देखिए मेरे बच्चों केजिया मदरवुड कॉलहर केजिया को उसकी मदर बुलाती इफ़ यू आर ए गुड गर्ल अगर आप एक गुड गर्ल हैं तो यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर्स बूट कि अगर आप कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट कि uh, तुम आओ और अपने पापा के जूते उतारो स्लोली वो लड़की धीरे धीरे आती सीढ़ियों से नीचे और धीरे धीरे हॉल से होते हुए और ड्राइंग रूम में एंटर कर जाती उस टाइम तक पापा के ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स एंड लुकड एट ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरीफाइंग टू द लिटिल गर्ल और उस वक्त उसके पापा जो होते थे ही हैड स्पेक्ट्स वो चश्मा उसके पापा के uh, होता था और वो चश्मे से ही उसके बेटी को घूरते थे यानी केजिया को देखते थे और बड़ा डरावना उस वक्त सीन होता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे एंड वेल केजिया हरी अब केजिया हरी अब जल्दी करो जूते निकालो और इन्हें बाहर ले जाओ क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बनी हुई हो अब यहाँ पर केजिया थोड़ा सा स्टर करके यानी रुक रुक कर बोलती आई डोंट डोट डोंट नो फादर मुझे नहीं पता है यू डोंट डोंट नो पापा भी उसी तरह से उसको इमिटेट करते हैं अगर तुम इसी तरह से हकलाओगे या रुक रुक कर बोलोगी बच्ची तो तुम्हें डेफिनेटली पापा जो हैं वो कहाँ ले जाएंगे सॉरी मम्मी कहाँ ले जाएंगी डॉक्टर के पास वो कभी भी इस तरह से रुक रुक कर नहीं बोलती थी लेकिन आ, उसने आ, इस तरह से बोलना बंद कर दिया था लेकिन पापा के सामने जब होती थी तो वो इसी तरह से बोलती थी सो so, वो वर्ड्स बहुत प्रॉपरली तरीके से नहीं बोल पा रही थी अपने पापा के सामने पापा बोलते हैं वॉट आर वाट इज द मैटर क्या मैटर है बच्चे क्या इस तरह से वॉट व्हाट आर यू वट आर यू लुकिंग सो रेंचबाऊ आज तुम इस तरह से मूर्खों की तरह क्यों दिखाई दे रही हो मदर आई विश यू टॉर्ड दिस चर्ल चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मैं तुमसे कह देता हूँ मदर से बोलते हैं कि मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्ची जो है सुसाइड मोड पर आकर खड़ी हो जाए हेयर केजिया कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुल मेरी जो चाय का कप है वो टेबल पर केयरफुल लेकर आऊँ उसके पापा के बारे में बताती हैं केजिया के अकॉर्डिंग कि उसके पापा बहुत ही आ, बड़े थे उनके हाथ पैर बहुत स्पेशली उनकी गर्दन और मुंह तो जो बहुत बड़ा होता था जब वो यॉर्निंग करते थे थिंकिंग अबाउट हिम अलोन और उसके बारे में थिंकिंग अबाउट हिम अलोन अगर उनके पापा को अगर वो केजिया अकेला पाने का एक ऐसा विचार होता था तो वो एक जाइंट के तौर पर उसे सोचती थी ऑन संडे आफ्टरनून संडे आफ्टरनून को ग्रैंड मदर जो है सेंट हर डाउन ऑन द ड्राॅइंग रूम कि उसके संडे आफ्टरनून को ग्रैंड मदर जो होती है वो ड्राॅइंग रूम में भेज देती है केजिया को कि अपने पापा मम्मी के साथ अच्छे से बातचीत करो अच्छे से इंटरेक्ट करो लेकिन लड़की हमेशा जाती है तो पापा मम्मी को तो हमेशा अखबार पढ़ते हुए पाती है रीडिंग करते हुए मीन्स कुछ भी रीड करती रहती है और पापा जो है वो सोफे पर फैले हुए होते हैं उनका हैंकर चीप्स यानी हैंकी जो होता है उनके फेस पर होता है और उनका एक पैर जो है वो सदैव एक अच्छे क्वेश्चन पर होता था और अच्छी नींद ले रहे होते थे उसके पापा ठीक है ये उनके पापा ये पिक्चर इस पिक्चर में यानी केजिया जाती है और जा कर के वो अपने मम्मी को और पापा को देखती है इस तरह से वो जाती है तो पूरी तरह से कम्प्लीटली पाती है अब देखिए सी सेट ऑन ए स्टूल वो स्टूल पर बैठ जाती है ग्रेवली वो आ, दुखी मन से देखती रहती है और जब उसके पापा जगते हैं उठते हैं तो पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ तब वो उसकी तरफ देखते हैं किसकी तरफ केजिया की तरफ देखते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया केजिया इस तरह से मत घूरो यू लुक सो लाइक अ लिटिल ब्राउन तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह दिख रही हो इस तरह से मत घूरो बिल्कुल भी वन डे वैन शी वॉज कैप्ट इंडोर एक दिन जब वो घर के अंदर ही थी विद अ कॉल्ड आफ्टर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट कि उसके पापा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक तो कुछ उसे सजेस्ट किया कि एक पिन कुशन सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर बना लो ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क येलो सिल्क के तौर पर बना लो लेबरसली विथ ए डबल कॉटन एक डबल कॉटन के साथ में उसने क्या किया थ्री साइड तो उसने स्टिच कर ली थी उस बच्ची ने कीजिया ने अब हुआ क्या कि वो सोची कि इसको फिल किससे किया जाए ठीक है ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आया तो ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी किसी काम से और वो अपने मदर के बेडरूम में गई और वहाँ पर कुछ स्क्रैप ढूंढने लगी कि कुछ वेस्ट हो तो इसके अंदर फिल कर दिया जाए अब वो बेड टेबल पर शी डिस्कवर्ड बेड टेबल पर वो डिस्कवर्ड शी डिस्कवर्ड दैट कि कुछ कागज की जो शीट थी फाइन पेपर शीट थी उसने क्या किया उन पेपर्स को फाड़ा और छोटे छोटे पीसेस करके और उसको फोर साइड से भर के और उसको स्टिच कर दिया यानी पिन क्वेश्चन को उसको फिल करना था तो उसने उन पेपर को फाड़ के और स्टिच कर दिया उस रात बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ घर के अंदर अ ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी कि जो स्पीच जो केजिया ने फाड़ी थी वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच थी और रूम में सर्च यानी लगभग तलाशी ली गई नौकरों से पूछा गया फाइनली केजिया की मदर को आना पड़ा और केजिया की जो मदर थी वो केजिया के कमरे में आई केजिया से पूछा कि केजिया दैट आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आर रूम कि आपने कुछ पेपर जो थे वो हमारे कमरे में देखे थे कि जे ने झूठ बिल्कुल नहीं बोला उसने बोला यस मदर आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज़ मैंने सरप्राइज़ के लिए पापा के सरप्राइज़ के लिए यानी बर्थडे गिफ्ट के लिए मैंने उनको फाड़ दिया था मदर बोलती है वॉट क्या हुआ मदर चीखती है ज़ोर से कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टेट तुरंत अभी डाइनिंग रूम में आओ और वो धीरे धीरे ड्रैग डाउन टू तो द वेयर वर फादर वॉज पेसिंग टू तो एंड फ्लो और उस बच्ची को वहाँ पर लाया जाता है जहाँ उसके पापा जो थे चैलकदमी कर रहे थे और कदम जो थे वो पीछे हैंड्स बिहाइंड इज़ बैक और उसके हाथ जो थे पापा के पापा बोलते हैं वेल well, अच्छा तो तुमने ये कहा तेज़ आवाज़ में कहा मदर ने एक्सप्लेन किया और ही uh, स्टॉप्ड और वो रुकते हैं और अपने uh, बच्ची केजिया को घूरने लगते हैं सो फाइनली डिड यू डू दैट तुमने ऐसा किया अब वो वापस हमेशा पापा के सामने हकलाती थी स्टल करती थी नो 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 पापा नो उससे विस्पर्ड और वो विस्पर्ड यानी ते हुए धीरे बोलती है ममलिंग करते हुए मदर गो एप हर रूम मदर जाओ इसके कमरे में और वो डैम थिंग जो बेकार की चीज इसने बनाई है वो लेकर के आओ एंडट द चाइल्ड पुट्स टू बैट दिस इंस्टेंट कि कौन सी चीज जो इसने है, वो uh, उसने यूज ली है मेरे उन इंपॉर्टेंट uh, थिंग्स को स्टफ करने के लिए लेकर आओ जल्दी क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन और बहुत ज्यादा रोते हुए और एक्सप्लेन करते हुए वो एक शेडोविंग शिले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर अब वो अपने कमरे में थी और कमरे में होने के बाद उसने देखा कि अब कमरे में थी और वो लेटी हुई थी और देख रही थी वो शाम की जो लाइट जो थी वो फर्श पर आ रही थी तो वो एक उसके लिए बहुत ज़्यादा उदासी भरा सीन क्रिएट हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उदास थी और वो इवनिंग शेडो जो थी उसके लिए उसे और भी ज़्यादा डेस्परेट बना रही थी अब देखिए उसके पापा उसके कमरे में आते हैं और एक हाथ में रूलर होता है सो आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस और मैं तुम्हें आज इसके पिटाई करने वाला हूँ तुमने जो फॉर दिस ये जो किया है ना इस वजह से मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ पापा ने कहा केजरीबलती नो 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 शी स्क्रीम वो चीखती है हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स और वो बेड क्लोथ्स जो है ना उसके पीछे छिप जाती है ही पुल देम असाइड और वो पीछे आ, हट जाती है सिटअप्स ही ऑर्डर सिटअप बैठ जाओ पापा उसको ऑर्डर करते हैं होल्ड आउट योर हैंड्स अपने हाथ आगे निकालो यू मस्ट बी टॉट एक बार तो तुम्हें सिखाया जाना चाहिए कि जो भी चीज़ तुमसे मैच नहीं करती है उसे क्या करना है टच नहीं करना है लेकिन केजरीवाल थे पापा बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था पापा प्लीज लिसन टू मी माई स्टूडेंट्स ये था पार्ट वन ऑफ दिस लेसन अब पार्ट टू जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना है इससे आगे थैंक यू वेरी मच